व्हाट्सअप गाइज, मैं उमेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इन्फिनिक्स का जो हॉट 11 है, उसका जो डिटेल रिव्यू है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और ऑलमोस्ट एक वीक से ज्यादा हो चुका है मैं इस डिवाइस को कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं। काफी सारी चीजें मैंने नोटिस करी है। और पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो इस डिवाइस ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको ऐसे काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो मार्केट में सेम प्राइस बजट में आपको बाकी अदर फोन्स में देखने को नहीं मिलते। अब इस फोन के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ कमियां भी है, तो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना। और 10,000 रुपए के प्राइस बैंड पर आपको आईफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज का काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है स्मार्टफोन का और ब्लूटूथ नेकबैंड का। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना। हाँ जी, तो अब बात करते हैं इन्फिनिक्स के हॉट 11s के बारे में और शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ में। तो आप ये चीज तो जानते हैं कि इन्फिनिक्स के जो फोन होते हैं वो बड़े डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 6.78 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ। नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक सेंट्रल पंच होल डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। बेजल्स भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एनर्जी ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो ये काफी बढ़िया चीज हो जाती है कि 10,000 के प्राइस बजट में एटलीस्ट आपको एक ग्लास प्रोटेक्शन तो देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ ब्रांड्स के साथ में तो ये चीज भी देखने को नहीं मिलती। और अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले मुझे काफी स्मूथ फील हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। क्योंकि जब आप कंटेंट ब्राउज करते हैं, मतलब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो वहां पर आप जब ऐप के अंदर स्क्रोलिंग करेंगे तो आप इस चीज को काफी अच्छे से नोटिस कर पाओगे। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी सपोर्ट करता है। तो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, विजिबिलिटी को लेकर मुझे डिस्प्ले के साथ में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, कलर रिप्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको काफी पसंद आने वाली है। अब इस फोन का जो डिस्प्ले है उसके अंदर एक छोटी सी कमी मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर डिस्प्ले में आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, लाइक Amazon हो गया, Hotstar हो गया या फिर Netflix हो गया, वहां पर आप सिर्फ HD कंटेंट को ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक चीज इस फोन के साथ में इन्फिनिक्स ने बहुत ही बढ़िया करी है, और वो है इस फोन के ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, जहां पर आपको इस फोन के साथ में जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। और जहां तक मुझे पता है 10,000 से 11,000 के प्राइस रेट में शायद ही ऐसा कोई फोन होगा जहां पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का जो फीचर है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज इन्फिनिक्स के इस फोन के साथ में बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आपको फोन देखने को मिलता है। रेयर पैनल के अंदर ग्लॉसी बैक है, वेव टाइप का कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगती है कि इन्फिनिक्स हर बार डिजाइन के अंदर कुछ ना कुछ नए चेंजेस करता है। इसके अलावा ये जो फोन है पूरा कर्व एजेस के साथ आता है, तो इन हैंड फील आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फोन थोड़ा सा हेवी भी है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, लगभग 200 ग्राम के करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पकड़ने करने में बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा। सो प्राइस को कंसिडर करते हुए जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी सही देखने को मिल जाती है। गाइस, इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको इस बार डिफरेंट डिजाइन के अंदर दिया गया है, जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ प्राइमरी सेंसर 50 MP का देखने को मिलता है f1.6 के अपर्चर के साथ। इसके अलावा 2 MP का एक डेप्थ सेंसर है और 2 MP का एक AI लेंस देखने को मिलता है, और साथ में क्वाड LED फ्लैश। अब यहाँ पर जो मेन सेंसर है वो एक सैमसंग का सेंसर है, और यही सेम सेंसर Redmi 10 Prime और Narzo 50A के अंदर भी यूज किया गया है, और शायद आगे भी इस कैमरा सेंसर के साथ में आपको और भी काफी सारे फोन इंडिया के अंदर देखने को मिले। तो अगर मैं बात करूँ अगर कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो 50 MP का सेंसर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। जो डिटेल्स है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, चाहे एक्सपोजर हो या फिर डायनेमिक रेंज, मेन सेंसर अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो मानना पड़ेगा इस बार इन्फिनिक्स ने रेयर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काफी अच्छे से काम किया है। हाँ, पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर कैमरा को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो डेलाइट कंडीशन के अंदर कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लो लाइट फोटोग्राफी या फिर नाइट फोटोग्राफी की, तो वहां पर भी रिजल्ट्स आपको काफी सही देखने को मिल जाते हैं। बट अगर नाइट फोटोग्राफी और लो लाइट फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं, तो कैमरा के अंदर आपको अलग से एक सुपर नाइट का फीचर दिया गया है, जहां से आप बहुत ही जबरदस्त फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने में कैमरा प्रोसेसिंग में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफी सरप्राइज करने वाले होते हैं। कुछ कैमरा शॉट्स आप यहां पर देख सकते हैं, जिससे आपको नाइट फोटोग्राफी का एक बेटर आइडिया हो जाएगा। नाउ अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहां पर 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। और यहां पर इन्फिनिक्स को डेफिनेटली काम करने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी फोटोज आप लेते हैं उनमें येलोइश और व्हाइटिश टोन आप नोटिस करोगे। फोटोज भी काफी सॉफ्ट होते हैं और डायनेमिक रेंज
रेंज को भी इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता और सेम चीज पोर्ट्रेट फोटोज के साथ में जो एज डिटेक्शन है वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो मेरे अकॉर्डिंग 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो एवरेज सा परफॉर्म करता है। बाकी अगर बात करें वीडियोज की तो रेयर कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा, वहां से आपको 2K रेजोल्यूशन तक के वीडियो बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा टाइम लैप्स, स्लो मोशन और बोके वीडियो बनाने का ऑप्शन भी आपको कैमरा के साथ में मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा में इस बार आपको AR शॉट का अलग से फीचर दिया गया है, जिसकी वजह से आप कुछ AR स्टिकर्स को फोटोज के अंदर यूज कर सकते हैं। और हमेशा की तरह फ्रंट और रियर साइड में आपको LED फ्लैश का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। सो फाइनली इन सबके बाद में अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये डिवाइस पावर करता है MediaTek Helio G88 के चिपसेट को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग चिपसेट है और आई थिंक इंडिया के अंदर इस चिपसेट के साथ में आने वाला ये सेकंड डिवाइस है। तो प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग चिपसेट है। डे टू डे यूजर्स के अंदर ये जो प्रोसेसर है आपकी सभी तरह के टास्क को करने में कैपेबल है। इवन अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर ऐप ओपनिंग है, नॉर्मली जो प्रोसेसर है सभी तरह की जो टास्क है उनको आराम से हैंडल कर लेता है। तो उसको लेकर मुझे इस चिपसेट के साथ में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। लेकिन एक दो बार डिवाइस को यूज करते टाइम मुझे हल्के फुल्के जिटर्स के साथ में नोटिस हुए। तो बेसिकली डिवाइस हैंग तो नहीं होता है, बट हल्के फुल्के जिटर्स आपको मिलते हैं। तो दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है, जो बेसिकली इसके UI की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हो सकता है और इसके अलावा एक रीजन स्टोरेज भी हो सकता है। बट स्टोरेज को मैं यहाँ पर कोई गलती नहीं मानता, बिकॉज जो Helio G88 का चिपसेट है वो मैक्सिमम EMCC 5.1 स्टोरेज को ही सपोर्ट करता है। तो ये एक डिफरेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। लेकिन हाँ, UI को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके या फिर इंप्रूव करके Infinix इस चीज को फिक्स कर सकता है। और UI के अंदर Infinix के खुद के काफी सारे डिफॉल्ट ऐप आपको देखने को मिल जाते हैं, जो वैसे तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, बट इनडायरेक्टली वो स्टोरेज को काफी स्लो कर देते हैं। तो ऐसे में Infinix को ऐसे डिफॉल्ट ऐप को हटाकर यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा बेटर करने का कोशिश करना चाहिए। बाकी नो डाउट UI के अंदर Infinix ने पहले के मुकाबले काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए हैं और इस UI के अंदर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। BGMI के अंदर 40 FPS तक का जो गेम प्ले है वो आप आराम से कर सकते हैं, बट एक छोटा सा इशू मैंने नोटिस किया कि जब आप जायरोस्कोप यूज़ करते हैं तो वो चीज़ गेम के साथ में इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली Infinix को काम करना चाहिए। अब अगर बात करें हीटिंग इशू की, तो आप ये तो जानते हैं कि MediaTek के जो चिपसेट होते हैं वहाँ पर आपको जनरली हीटिंग इशू देखने को मिलता ही है। तो अगर बात करें इस डिवाइस की, तो हाँ, यहाँ पर भी आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है, बट ऐसा ओवरहीटिंग जैसा इशू नहीं है। मतलब 1 से 2 घंटे मैंने कंटिन्यूसली यहाँ पर गेम प्ले किया था, उसके बाद में जो ओवरऑल टेम्परेचर था वो थोड़ा बढ़ चुका था और लगभग 43-44 डिग्री के करीब चला गया था। तो इसे ओवरहीटिंग जैसा तो कुछ नहीं बोल सकते। इवन मेरे पास जो OnePlus Note 2 है यहाँ पर भी आपको MediaTek का ही चिपसेट देखने को मिलता है। तो ये डिवाइस भी हीट करता है और लगभग 45 डिग्री तक इसका जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। तो हीटिंग प्रॉब्लम MediaTek के चिपसेट के साथ में नॉर्मल चीज है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस के साथ में आपको 5000mAh की बड़ी मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जहां से आपको काफी तगड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। मतलब हेवी यूजर्स के अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप इस डिवाइस के साथ में आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहें तो बैटरी बैकअप को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर मैराथन का जो फीचर है वो देखने को मिलता है, जिससे आप डिवाइस का जो ओवरऑल बैटरी बैकअप है उसको 25% तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 18W का जो फास्ट चार्जर है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाता है। और Infinix Hot सीरीज के अंदर ये पहला फोन है जहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आप इस फोन की बड़ी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर पाएंगे। बाकी कुछ अदर फीचर की बात करें, तो ये डिवाइस 4GB 64GB वेरिएंट है और फिलहाल के लिए इस डिवाइस के साथ में आपको सिर्फ सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है। जो रैम टाइप है वो LPDDR4X रैम है और स्टोरेज जैसा कि मैं बता चुका हूं EMCC 5.1 का देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टोरेज को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको डेडिकेटेड microSD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें कॉलिंग की, तो यहां पर आपको कॉलिंग के टाइम काफी अच्छे इनपुट और आउटपुट इस डिवाइस के साथ में देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का नेटवर्क इशू मैंने इस डिवाइस के साथ में फेस नहीं किया। इसके अलावा सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन का जो फीचर है वो आपको इस डिवाइस के साथ में देखने को नहीं मिलता। बाकी कॉलिंग के टाइम आपको कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता तो है, बट वही चीज है, गूगल डायलर के साथ में आता है तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली 10 से 11 हज़ार के प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। अब 10-11 हज़ार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ दीपावली का जो सेल है वो आने वाला है और ये जो डिवाइस आप 10,000 के प्राइस बजट पर परचेज कर सकते हैं। और इस प्राइस बजट पर ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जहां पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, इसके अलावा 50MP का कैमरा मिल रहा है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और Helio G88 जैसा पावरफुल गेमिंग चिपसेट आपको इस प्राइस बजट में देखने को मिल रहा है, जो
जनरली आपको बाकी अदर फोन्स में देखने को नहीं मिलता। तो मेरे अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स हॉट 11s एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो गाइज ये था एक डिटेल रिव्यू इन्फिनिक्स हॉट 11s को लेकर। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और इस डिवाइस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।